नमस्कार, हमारे साथ हैं आशीष जी, जिनको एजुकेशन एक्सप्रेस अवार्ड मिलने जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ करते हैं आज के युवाओं के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। खासकर एजुकेशन एक्सप्रेस अवार्ड निश्चित तौर पर एक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके पास। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली मैं यही कहना चाहता हूँ कि एजुकेशनिस्ट के तौर पर जी हमें ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे में हिडन कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं। जी, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि आजकल ज़माना ऐसा हो रहा है कि भेड़ चाल हो रही है एक के बाद। अगर मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने अच्छी बात है, लेकिन साथ में हमारे साथ में एक वेरियस फील्ड भी है जी, हम जहाँ काम कर सकते हैं जी, तो बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ है वो उसको वहाँ जाने देना चाहिए और उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो आप किस इंस्टीट्यूशन से ऐसे? मैं हमारा एक स्कूल चलते हैं हम लोगों के जयपुर में, LBS पब्लिक स्कूल के नाम से। हालांकि वहाँ कई बच्चे जो हैं वो IIT में, नीट में हमारे यहाँ लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बच्चे IAS भी बने, RAS भी बने, और कैलिबर के अनुसार जो बच्चे, जिन बच्चों ने बिजनेस में अच्छा नाम किया है, ऐसे भी कई बच्चे हमारे पास में। तो किसी का एक पैमाना नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ये मान लें कि हाँ नहीं, हमारा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा। किसी भी फील्ड में जा सकता है, आगे बढ़ना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहिए। खासकर AKVK मीडिया आपको अवार्ड दे रहा है, आप क्या कुछ बताएंगे अभिराम जी के बारे में? हाँ, अभिराम जी के बारे में जो ये करते आ रहे हैं शुरू से कि अलग अलग फील्ड के लोगों को सम्मानित करना, ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम जो लोग हमारे समाज में, हमारे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आप एक मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, ये तो वास्तव में बहुत गौरव की बात है। अभिराम जी को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ। अंतिम प्रश्न है, युवाओं को क्या संदेश देंगे? आप एजुकेशन से जुड़े हैं, तो ऐसे में युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश में ये देना चाहता हूँ कि हम अपने देश की प्रगति में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, और एक अंधी दौड़ जो चल रही है, जो आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ आ रही है, उससे दूर रहें और हम जो गुरुकुल वाली नीति है उन्हीं के अनुसार आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। ये थे आशीष जो बता रहे थे कि आज हमें खासकर युवाओं को एजुकेशन में बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम सदा कार्य कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष साथ मानवे, नमस्कार।